जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू MII फिल्म्स। और आज हमारे साथ हैं कुमैर भाई जी। कुमैर भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से। भाई का आपने जब ग्रुप में भेजी है वीडियो, तो दिल था कि इसकी वीडियो बनाए, और थैंक यू कि आपने हमें टाइम दिया। आपका शुक्रिया, आप लोग आए तो इसका हम चाह रहे हैं कि वन बाय वन एक साइड से इसकी चीज़ें आपने जो जो इसमें मॉडिफिकेशन की है वो बताते जाएं, और उस पर कॉस्ट कितनी आई है आपकी पहले, क्योंकि हर किसी को यही होता है कि यार इस बाइक पे खर्चा कितना है। आजकल तो बाइक्स वैसे ही इतने महंगे हुए हैं, लेकिन आपने इसको और एक्सपेंसिव बना दिया है। तो इस वन फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, आप उस तरफ आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फ्रंट से भी लोअर्ड है। ठीक है, ठीक है। इसके साथ इस पे मैंने रिम्स पेंट करवाए थे इसके साथ मैच करके, नियॉन येलो कह लें, लेमन येलो कह लें। उसके बाद उसमें ब्रेम्बो ब्रेक कैलिबर लगा हुआ है, जो बेसिकली गाड़ियों के आइटम है, लेकिन वो मैंने बाइक में फिट करवाया हुआ है। सही है। उसके बाद आप ये मॉक्सी के आते हैं शॉर्टी लिवर्स, मॉक्सी के मिरर लगे हुए हैं, और ये जोमा का बार लगा हुआ है। उसके बाद आ जाए तो ये इंजन गार्ड लगा हुआ है। सही है जी। उसको लुक देने के लिए बस मैंने उसके सेल्फ को रेड में पेंट किया था। उसके बाद इसका ये लगा हुआ है, मॉक्सी का एयर फिल्टर लगा हुआ है परफॉर्मेंस के लिए और वैसे लुक्स के लिए भी। उसका उसमें एक्रा का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, यही सेम एग्जॉस्ट एससी में भी आता है, एक्रा में भी आता है, सेम स्टाइल में। बिल्कुल है। उसके बाद ये बाइक पीछे से लोवर्ड है, और अभी तक किसी ने करवाया नहीं था, और इसमें शॉक जो है वो मैं बड़ी मुश्किल से मुझे मिले। पहले मेरे आया कि मैं इसको 125 के लगाता हूँ, क्योंकि 125 के 12 इंच के हैं, लेकिन उसमें भी बाइक पीछे से काफ़ी ऊंचा लग रहा था मुझे। अब उसमें एक हाल था कि मैं खरादी को देता और उससे छोटे करवाता, लेकिन फिर मुझे मैं बिलालगंज गया और फिर मुझे ये मिल गया। उसके बाद इसमें पीछे टेल टाइडी लगी हुई है। ठीक है। और ये डक वैसे हमने बिठाई हुई है, राइड वगैरह हमारे साथ करती है। और इसमें ये इस बैक पे ये जो है 110/80/18 का टायर लगा हुआ है, और 110/80/18 जो होता है। उसके बाद नीचे इंजन गार्ड लगा हुआ है, और ये सारा कुछ है इस बाइक के अंदर। तो टोटल आपका तकरीबन कितना एस्टिमेटेड खर्चा इस बाइक पे आ गया हुआ है? मैंने बहुत देर पहले रिम्स कराया था, तो उसने मुझसे लिया था 3500, और उसके बाद मिरर्स जो थे ये 2000 का पेंट 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 ठीक है रिम्स का। उसके बाद ये थे मिरर्स 2000 के, और 1800 के ये थे ब्रेम्बो ब्रेक कैलिबर आपको मिल जाता है, ये डबल दो मिलते होते हैं, पेयर होता है। ठीक है। ये उस टाइम मुझे 1000 का पड़ा था पेयर। और उसमें एग्जॉस्ट जो है वो 5500 का पड़ा था, बैंड इसका आफ्टर मार्केट है। ठीक है। और उसके बाद जो शॉक्स है इसकी मुझे कॉस्टिंग आई थी 1500 बिलालगंज से, और जो टायर था वो मुझे मिला था तकरीबन 7500 का, 110 वाला। और इसका टेल टाइडल थी वो मुझे 2400 की कॉस्ट की थी उस टाइम, इस टाइम तो हम 3000 तक की सेल हो रही है मार्केट में। अच्छा, तो ये वाला गार्ड, ये इंजन गार्ड जो ये मैंने परचेज किया था 1500 का, 1500 हाँ, ये अभी तक को मैंने 3-4 दफ़ा तोड़ चुका हूँ, दोबारा लगवा चुका हूँ। ऐसी है। उसका सबसे मेन बात इस बाइक का पेंट चेंज है, ये ब्लैक नहीं है, ये टोयोटा ग्रैंडी का पेंट है। अच्छा, टोटली चेंज है आपने? टोटल पूरी बाइक का पेंट चेंज है। अच्छा, इसमें आप ये देखेंगे तो आपको ये ब्लू पर्ल्स नजर आएंगे। बिल्कुल आ रहे हैं, जहाँ जहाँ अगर ये धूप में खड़ी होगी तो ये पर्ल्स आएंगे ना सर, और उससे आपको नेवी ब्लू भी शेड आ रहा होगा, ब्लैक भी शेड आ रहा होगा। बिल्कुल आ रहा है, जहाँ जहाँ पे धूप पड़ रही है ना, बिल्कुल ऐसे। तो ये टोयोटा ग्रैंडी का पेंट है, इसमें मैंने पर्ल्स और ऐड करवाए थे। उसमें कितना आपका खर्चा है? इस पे मेरा तकरीबन लग गया था 10000। हाँ, जिसमें पर्ल्स भी ऐड करवाए और पूरे बेस से लेके ऊपर तक मैंने करवाया उसको। तो मेरे ख्याल में टोटल जो है 40 प्लस 40-50 जो है ना एस्टिमेटेड। इसका सबसे मेन चीज़ ये फ्रंट पैनल चेंज रहा, लाइट। ये फ्रंट लाइट ये जीप रेंगलर में भी आती है, बेसिकली है तो गाड़ियों के आइटम, लेकिन जब बाइक्स में रखना शुरू हुई तो लोगों ने काफी जो बंदे बाइक्स की मॉडिफिकेशन का काम करते हैं अपने पास भी रखना शुरू कर दिया। ये BMW स्क्रैम्बलर में इस तरह की, हाँ, उसमें भी आती है। इसकी भी मुझे फिटिंग स्पेशली बनानी पड़ी थी, इसकी हीट सिंक में मैंने होल करवा के फिर इसको करवाया था उस टाइम, और ये मुझे तकरीबन 5500 कॉस्ट की थी इसकी। उसके अलावा इसमें ये बार एजर्स लगे हुए हैं। तो इसमें आपको वैसे आइडिया कहाँ से आया कि ये इस तरह इसको लोअर करवाना है, क्योंकि ये वाली बाइक्स आपको मुश्किल भी होती होगी बड़ी? सबसे मेन बात थी, मैंने बाहर की कोई बाइक थी YBR थी ब्लू कलर में, मैं क्या मैं इंडोनेशिया या टर्की वगैरह में किसी कहीं पर थी, तो उसको मैंने लो देखा था। अच्छा। और उस टाइम पाकिस्तान में कोई भी ना जिससे मैं पूछता कि भाई किस तरह करना है, क्या हिसाब किताब है, क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन मुझे मैं घर पे एक दिन बैठा हुआ था, मैंने कहा इसको मैंने करना है लो, तो तब तो इसमें मॉक्सी का हैंडल लगा था, उसमें सिर्फ ये 1 इंच ड्रॉप हुई थी, जिसमें मुझे आइडिया होगा कि ये ड्रॉप हो सकती है फुल भी। उसमें मैंने हैंडल बार चेंज करके इसको फुल ड्रॉप किया,
और फिर फिर तब जाके जब मैंने वीडियोस वगैरह अपलोड की तब लोगों ने मुझे बताया कि यार ये तो फिर इस टाइम कोई भी लो नहीं है बाइक, फिर इस साल हाँ लोवेस्ट बन ऑब्वियस जाती है पाकिस्तान की। उस बैग से भी किसी ने लो की हुई थी, बैग से भी लो की, तो इस टाइम आप ये फिटमेंट देखेंगे तो इसमें सिर्फ आपकी उंगली भी नहीं जाएगी अंदर फिंगर भी मडगार्ड नहीं के, जा रही बिल्कुल फिंगर ऐसे भी नहीं नहीं। आपकी हाँ जाएगी मडगार्ड के अंदर। हाँ तो ये सारी फिटमेंट बनाई, टायर को पूरा किया, उसको शॉक्स को किया, तो तो इसको ये टाइम कितना आपको लग गया इसको करते करते, साथ साथ ही बिल्ड होती रही थी ये, कोई ऐसा तो हुआ नहीं था कि मतलब आपने मैं, स्पेसिफिकली हाँ उसको टाइम नहीं दिया, बस टाइम नहीं साथ साथ दिया, लगे साथ रहे साथ होती ही वक्त रही। के साथ साथ उसको करता रहा, क्योंकि जाहिर बात है पैसे अपनी जेब से लगाने थे तो एक दाम से 50-60 हज़ार तो बंदा लगा नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही उसके बाद बिल्कुल। इसकी ये ग्रिप असेंबली चेंज हुई हुई है, जिसमें आपको हैजर्ड डिपर और किल स्विच और साथ ही कहते हैं कि एक्स्ट्रा बटन आपको मिल जाते ग्रिप के अंदर ही, ग्रिप के मतलब वो जो अंदर ही। एक्स्ट्रा तारों आप करते हैं ना साइड में हाँ हैंडल लगा के, वो नहीं आपको बिल्कुल करना पड़ता, वो आपको उसी के बिल्कुल। अंदर आ जाता है। ये ग्रिप्स कितने की कॉस्ट थी आपका दोनों? ये मुझे की थी 1500 की, दोनों कॉस्ट की थी। 1500 की दोनों, हाँ जी, ये बेहतरीन है। इसी में आपका वो आ जाता है, ये किसी बाइक को भी लग सकता है, बड़ी बाइक को भी लग सकता है, क्योंकि इसमें ऊपर भी चौक अच्छा। आ जाता है, नीचे भी चौक आ जाता है, ठीक है। तो तार लग जाएगी तो नहीं, ऑटोमेटिकली ऊपर से भी आप चौक कर सकते हो। अच्छा, ये उसका हैजर्ड लाइट का स्विच ये है। हेजल लाइट का स्विच आ जाता है, हॉर्न आया था और जिपर आ हॉर्न। जाता है तो इधर। इसमें ये बताएं कि आपको मतलब इतनी लोअर्ड बाइक है तो लाहौर में अक्सर स्पीड ब्रेकर्स बड़े हैवी किस्म के बाज़ औक़ात तो मिल जाते हैं आपको रोड्स पे, बाजू का तो आदर्श को थोड़ा सा टेढ़ा करके निकाल लेते हैं, टिल्ट करके ठीक निकाल है। लेते हैं, या फिर उसको जंप करवाना पड़ता है, ये काफी हल होता है, या तो उसको जंप करवाना पड़ता है या फिर उसको आपको बिल्कुल थोड़ा, ऐसा हाँ से मोड़ बिल्कुल निकालना आराम पड़ता है, से। क्योंकि हल्की सी भी अपनी चीज आएगा तो हाँ प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक फिर भी थोड़ा मजबूत है बनिस्बत फाइबर के, फाइबर फाइबर तो तो क्रैक हो उसी जो के जाता है। हाँ क्रैक हो गए तो क्रैक वो हो जाता, ठीक नहीं हो सकता ठीक नहीं ऑटोमेटिक, होना बिल्कुल। इसी ये है कि प्लास्टिक रिपेयर भी हो रिपेयर सकता भी है हो थोड़ा सकता है, बहुत हो, आप एलसी भी लगा के काम एलपी चला भी। सकते हाँ हो, फिर बिल्कुल करके आप सही। मैजिक लगा के काम चला सकते हो उस टाइम पे। इंडिकेटर्स भी आपके सारे चेंज हैं। इंडिकेटर भी सारे चेंज है मेरे फ्रंट और बैक, क्योंकि जाहिर मतलब इस पीछे टेल लगी है तो टेल पे ओरिजिनल टेल पे इंडिकेटर लग नहीं ओरिजिनल सकते, इंडिकेटर्स नहीं लग भी नहीं लग सकते भी नहीं और वो सकते। अच्छे भी नहीं लगेंगे इसको ये। हाँ, अब आफ्टर मार्केट में रनिंग आते हैं, रनिंग अब जाहिर बात है छोटी बाइक्स को अच्छे नहीं लगते ना, बड़ी बाइक्स को अच्छे लगते हैं, ये तो स्टिल ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं आपको, इस वजह से मैं स्टिल में ये लगवाती हूँ। अच्छा, इसका जो आपने ये वाला एयर फिल्टर इसका ये चेंज किया है, जी जी इससे आपको वैसे कोई परफॉर्मेंस में फर्क पड़ा है या बस इसमें लुक्स में ही आप कहते हैं एक कि तो लुक्स में भी आ जाते हैं, परफॉर्मेंस में भी काफी फर्क पड़ जाता है, फर्क पड़ता है हाँ, बाइक की पिकअप थोड़ा ज्यादा जाता है, क्योंकि जाहिर बात डायरेक्ट एयर मिल रही है बिल्कुल ना डायरेक्ट यहाँ एयर से मिल रही बिल्कुल है। आप। इसका जो ओरिजिनल है वो अंदर लगा हुआ है और ये बाहर एयर इनटेक पे लगा हुआ है एयर थोड़ा इनटेक। सा, तो तो इसमें फिर बाइक की एवरेज का कुछ फर्क पड़ा? एवरेज बहुत खराब हो जाती है बाइक, खराब इसीलिए हो मैं आपको जाती। बात बताऊँ, हाँ एवरेज अगर आपने ये काम करने तो फिर आप एवरेज भूल जाए आपको बाइक देगी, बिकॉज जाहिर बात है 90-90-18 आते टायर, अब 110 डला हो तो फिर बाइक ने कहाँ बाइक एवरेज ने देनी है एवरेज आपको, नहीं देनी, तो ये उसका बात है कि एयर आप फिल्टर इतनी मॉडिफिकेशंस जब करवाते हैं तो बाइक की एवरेज एवरेज आप वो वाली होनी कभी भी एक्सपेक्टिंग कर रहे हैं जो होनी कंपनी क्लेम कर रही है। बिल्कुल। अब क्योंकि आपने टायर भी हैवी लगा लिया, एयर आपको बाइक का खुली मिल रही है बिल्कुल ही, तो उतना ही बाइक की कंजम्पशन फ्यूल की जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है जितनी एयर की है। तो बाइक की एवरेज मेरे ख्याल में कोई 25 के राउंड अबाउट नहीं होगी, 25-30, 25-30। 28-30 दे देती होती है। अब मुझे काफी लोगों के मैसेजेस आते हैं, मुझे ये कहते हैं कि यार फ्लेम्स मारने हैं, फ्लेम्स नहीं निकलते हमारी बाइक्स के, अब उनको बताओ कि यार पेट्रोल खुलवा लो, तो फिर बाद में वो मैसेज करते हैं यार पेट्रोल बहुत खा रही है पेट्रोल बाइक, बहुत खा हम रही चक्कर लगा के हमारा 1000 रुपए का पेट्रोल उड़ गया, पर ये इसी तरह होते हैं, फिर आप बिल्कुल या ऐसे तो पेट्रोल देख लो या उसकी लुक्स देख लो या उसके फ्लेम से एक जवाब दे, बिल्कुल ऐसे। तो थैंक यू ये कुमेल भाई, बहुत शुक्रिया। बस थैंक यू तो गाइज ये कुमेल भाई की बाइक है जो कि लाहौर में है और माशाल्लाह से इन्होंने खुद ही आइडिया, ये कह रहे हैं कि मैंने बाहर से एक बाइक देखा था किसी फॉरेन कंट्री में, जहाँ से उन्होंने ये सारा आइडिया जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मतलब टाइम के साथ साथ इन्होंने इस चीज़ को बिल्डअप किया है। तो बहुत अच्छी एफर्ट है जी थैंक आपकी, यू थैंक यू। अल्लाह आपको मजीद इसमें तरक्की हाँ दे, भाई बस राइड सेफ करें बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रोटेक्टिव गेयर्स हैं वो ज़रूर बिल्कुल पहना ऐसे करें थैंक बाइक चलाते हुए। थैंक यू सो मच कमल भाई, यू। थैंक यू।